दिल्ली की बागडोर कौन संभालेगा? अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ये सवाल लगातार उठ रहा है, लेकिन जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। कंफ्यूजन इस बात को लेकर है कि क्या जेल से सरकार चला पाना संभव है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अड़े हुए हैं इस्तीफा नहीं देने पर। आम आदमी पार्टी कह रही है कि जेल से ही सरकार चलाएंगे उनके मुखिया, लेकिन जो नियम कायदे हैं वो कह रहे हैं कि कैसे चलाएंगे आप जेल से सरकार, बस इसी बात को लेकर पेंच फंसा हुआ है। दरअसल जेल नियमावली के अनुसार सीएम ना वहां कोई बैठक कर सकते हैं और ना ही फाइलों या फिर पत्रों का कोई आदान प्रदान हो सकता है, इससे पद और गोपनीयता के भंग होने का खतरा है। इस बीच उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली में जेल से सरकार चलाने के मुद्दे पर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं। एलजी वीके सक्सेना ने कहा कि सरकार जेल से नहीं चलेगी। आपको बता दें कि जेल के लिए जो नियम है उनके मुताबिक सीएम वहां कोई बैठक नहीं कर सकते, और अगर कैबिनेट बैठक नहीं होगी तो सवाल ये कि फैसले कैसे लिए जाएंगे। एलजी की स्वीकृति के लिए भी फाइल सीएम ही भेजते हैं, जो जेल से पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब ऐसे में विकल्प क्या है, चलिए आपको बताते हैं। दिल्ली में आप सरकार के पास पूर्ण बहुमत है, इस सूरत में सीधे तौर पर राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता। ऐसा तभी संभव है जब दिल्ली में संवैधानिक संकट पैदा हो जाए। सूत्रों की माने तो अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देते और जेल से सरकार चलाने की नाकाम कोशिश करते रहते हैं तो लंबित फाइलों की संख्या बढ़ती चली जाएगी, जिससे संवैधानिक संकट खड़ा होना तय है। न्यायिक मामलों के जानकार कहते हैं कि किसी सरकारी अधिकारी के जेल जाने की स्थिति में उसे निलंबित करने का कानून है, लेकिन राजनेताओं पर कानूनी तौर पर ऐसी कोई रोक नहीं है। फिर भी क्योंकि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है और ऐसे में अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं तो राष्ट्रपति दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। वहीं कुछ जानकार हैं जो मानते हैं कि ये सीधे तौर पर अदालत पर निर्भर होगा कि वो उन्हें मुख्यमंत्री पद के दायित्व का निर्वहन करने देती है या फिर नहीं। इसे लेकर संवैधानिक नियम कायदे जैसी कोई बात नहीं है। हालांकि पूर्व में ऐसा कोई मामला ध्यान में नहीं आया है जब किसी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री ने जेल में रहकर सरकार चलाई हो। वहीं आपका कहना है कि कोई भी संवैधानिक प्रावधान जेल से शासन चलाने को नहीं रोकता है। बीजेपी शासित केंद्र सरकार ईडी का इस्तेमाल कर लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई विपक्षी दलों की सरकारों को कमजोर कर रही है। इसके तहत विपक्षी मुख्यमंत्रियों को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इस बीच आपकी तरफ से ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी आपके विधायकों को तोड़कर दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहती है। आपके वरिष्ठ नेता जसमीन शाह ने आरोप लगाया है कि विधायक ऋतुराज झा से बीजेपी के कुछ लोग मिले और बीजेपी में आने के लिए उन्हें 25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया है। साथ ही 10 अन्य विधायकों को लाने पर उन्हें मंत्री बनाने का भी लालच दिया है। इसे लेकर आपकी क्या राय है, क्या लगता है आपको, क्या दिल्ली में जेल से सरकार चलाएंगे केजरीवाल या फिर राष्ट्रपति शासन लगेगा? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें स्टोरी हाउ।